ऑटो थोड़ी सी कीचड़ की वजह से ना फंस गई है इसको अभी। हाँ 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 सीधा करो स्टेयरिंग, स्टेयरिंग सीधा। अभी कच्चे के इलाके में इंटर हो चुके हैं। ये अभी थोड़ी है हमारी शायद लंदन ब्लोस है से मिलने की, तो रास्ता इन्होंने दिखाना है। इन्होंने हमें कच्चे के इलाके में लेके जाना है। इन्होंने के भी मजे ले रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे इतनी पक्की जमीन है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल चल रहा है। माशाल्लाह राजनपुर की जो मशहूर ब्रीड है ना बकरे वगैरह, तो ये देख लें इधर इधर बड़ा है पर इनको महसूस नहीं हुआ अभी तक क्योंकि इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग ये है कि हमारा सुबह सुबह का जो टूर बन गया वो राजनपुर का है। तो फिलहाल जी हम राजनपुर के लिए निकल पड़े हैं। तो राजनपुर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक हमारा प्यारा सा दोस्त था जो वफात पा गया, उसकी गुलखानी है, उसके सवाब के लिए दुआ खैर के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने कहा आपको व्यू दिखाएं समंदरिया का, जो हमारा पानी का दरिया है माशाल्लाह ओवरलोडेड है यहाँ पे, इसका पानी का बहाव जो है ना फुल चढ़ गया। पिछली दफा आपको दिखाया था बहुत कम था, तो फिलहाल सुबह सुबह मलिक इम्तियाज़ साहब को भी उठाया है हमने, जगाया भी है और ख़ुद भी उठे हैं। तो इस टाइम हमारा टाइम हो रहा है जी 6:30 का टाइम हो रहा है, 8 बजे तक हमने पहुंचना है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि राजनपुर में हमने गुजारा दिन सारा गुजारना है हमने जब तक वहाँ पे हैं। तो वहाँ की आपको रेत के टिब्बे भी दिखाएँगे और राजनपुर का भी विज़िट करवाएँगे। जो राजनपुर में शुगर मिल है उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। फिलहाल जी अभी हम पांचनंद जो सिंध रिवर जो है ना बेनज़ीर भुट्टो का पुल हम क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी हम कोट मिठन के अंदर इंटर हुए हैं। तो यहाँ से भी कोट मिठन से आगे हमारा यहाँ से पुल से हमारा 10-15 किलोमीटर का सफ़र है राजनपुर का। तो हम वहाँ पहुँच के फिर इंशाल्लाह दुआ खैर करके फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें। तो गाइस ये देख लें, जैसे ही आपने राजनपुर का चौक क्रॉस करना है तो उसके बाद ये पहला स्टॉप जो है ना आधे किलोमीटर के ऊपर, ये देख ले शुगर मिल है राजनपुर की। शुगर मिल का नाम सुना होगा, ये मिल का नाम भी इसका एंट्री गेट है। ये देख ले सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सीधा आंखों में लाइटें मार रहे हैं, लाइटें ऐसे लग रही हैं कि जैसे हमें खुद पड़ रही हो। तो ये जी राजनपुर की शुगर मिल हम क्रॉस करने लगे हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा, ये इंडस शुगर मिल है, ये देख ले अगर आपको हमारा कैमरा दिखा सके, तो इसको बोलते हैं इंडस शुगर मिल लिमिटेड। तो ये माशाल्लाह एक खूबसूरत मिल बनाई हुई है इन्होंने, तो वहाँ से लाइटें लग रही हैं सूरज की सीधा कैमरे में, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी मिल है, ये भी कोई छोटी मिल नहीं है। तो यहाँ भी हमारा जो शुगर कैन है भाई जान, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये मिले शुगर कैन को इकट्ठा करती हैं और यहाँ पहुँचाती हैं, तो इस साल देखते हैं क्या बनता है। तो ये जी हमारी शुगर मिल, अभी भी इसमें चीनी की खुशबू आ रही है, हम यहाँ से गुजरे हैं। तो अभी हम पहुँच रहे हैं अपने मकाम पर, यहाँ से भी हम जो है ना निकल चुके हैं। तो गाइज ये देखें हमारे दोस्त की टर्नैलियाँ चेक करें तो ये इसको भाई जान को साथ लेके जाना है हमने, जो है ना हमें आगे का रास्ता इन्होंने दिखाना है। इन्होंने हमें कच्चे के इलाके में लेके जाना है। इन्होंने क्या क्या बोला तूने? तो फिलहाल जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे प्यारे दोस्त सफदर भाई हैं जो कुछ दिन पहले आए हुए थे खानपुर में, आज हम इन्हीं के पास आए हैं। ये बार बार कहते हैं भाई जान आए आए, तो आज आखिरकार इनके पास पहुँच गए हैं। इन्होंने ही हमें राजनपुर का भी सैर कराना है और जो ये कच्चे का इलाका बैक साइड पे जा रहा है उन्होंने इन्होंने ही विज़िट कराना है। यहाँ के ये जो है ना बड़े दादा बनते हैं, तो इंशाल्लाह तो मिलते हैं। अभी फिलहाल जहाँ पे आए हुए हैं वहाँ पे जाना है हमने, तो पहले सवाब के लिए दुआ खैर करने फिर। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी माशाल्लाह राजनपुर की जो मशहूर ब्रीड है ना बकरे वगैरह, तो ये देख लें वाइट बकरे ब्रीड और बरी के भी ब्री बकरियाँ फिर रही हैं बीच में इसमें माशाल्लाह। ये देखें ब्रीडर इनमें नहीं फिर रहा होगा क्योंकि इनका राजनपुर का जो ब्रीडर होता है ना वो बीच में नहीं ये चलाते इनको।
तो गाइस ये देख लें, फिलहाल जो है ना हम अभी कच्चे के इलाके में इंटर हो चुके हैं। ये अभी थोड़ा सा बहुत आगे है मगर ये उसका एंट्री पॉइंट है, खतरनाक है। दुआ करें हमें कि हम यहाँ से सही सलामत ही निकल आएं। तो कोशिश है हमारी शायद लंदन ब्लोच साहब से मिलने की। तो ये जो भाई है ना, इन्होंने बड़ी जिद की है कि आज आपको शायद लंदन साहब से मुलाकात करवाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, अभी आगे आगे जैसे जैसे जंगल से निकलते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे रोडें भी बनी हुई हैं भाई जान, ये देखें रोड बनी हुई है। तो अभी मकसद है, हमने उनके कच्चे के इलाके में जाना नहीं है मगर साइड पे रहना है। साइड पे यहाँ पे हम गुलखानी पे आए हुए हैं, वहाँ पे है मगर ये इलाका टच हो रहा है, तो ये एंट्री पॉइंट है। तो अल्लाह खैर करेगा तो अभी चल के देखते हैं। तो जी ये अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये हमारे दोस्त सारे साथ हैं हमारे साथ। तो ये मलिक इम्तियाज साहब, रफीक साहब, सफदर साहब और भाई आपका नाम मुरीद हुसैन साहब। तो ये हम आए हुए हैं, ये तकरीबन कोई हमने 15 किलोमीटर सफ़र किया है। सफदर की मेहरबानी है कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक कप चाय पिलाने आए हैं और यहाँ के रास्ते चेक कर लें। और चाय का कप मेरे हिसाब से जो था ना वो सस्ता था अगर अड्डे से पी लेते, जितना सफ़र हम करके आए हैं। तो फिलहाल जी आपको ये इलाका विज़िट करवाएं, यहाँ पे हर जगह जो है ना बंजर ही बंजर है मगर इस साइड पे कुछ चावल वगैरह हैं मगर अल्लाह इनको रिस्क दे क्योंकि लगाया तो हुआ है। जैसा कि हमारे पंजाब में बढ़ गया है ना प्रोग्राम, तो यहाँ भी अभी पता नहीं यहाँ से बढ़िया था या क्या नहीं बढ़िया यार, था तो बस अच्छा इधर बड़ा है पर इनको महसूस नहीं हुआ अभी तक क्योंकि इनकी अभी मुंजी लगी हुई है इसलिए। ये देखें जी रोई में जो है ना हम बाइक के भी मजे ले रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे इतनी पक्की जमीन है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल चल रहा है बड़े सुकून से। यहाँ पे अभी हम गाड़ी लेने जा रहे हैं क्योंकि रास्तों का मसला है। तो ये भाई लोग देख लें पीछे कहीं भी उठाई हुई है भाई ने, गौर से देखें। और लगता है हमारे मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल है ना वो भी एंड होने वाला है क्योंकि हमें सिर्फ गाड़ी तक पहुँचा दे, इसकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये देख लें गाइस जहाँ पे हम आए हुए हैं ना, यहाँ पे ये देखें आल्टो थोड़ी सी कीचड़ की वजह से ना फंस गई है, इसको अभी हम पीछे निकालने के चक्करों में है, जोर लगा रहे हैं। गेयर एसी बंद करते, गेयर ला रहे हो रिवर्स, एसी बंद करते, पिछी थे हाँ ये हाँ ए फंस गई, ए बम्पर गया, ये बह गई है ना गाड़ी, टायर फुल कीचड़ फंस गए। हाँ 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 सीधा करो स्टेयरिंग, स्टेयरिंग सीधा करो, स्टेयरिंग सीधा, हाँ 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 यस 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 फाइनली जी ये देख लें हमारी आल्टो जो है ना उस किचड़ से निकल आई है, पर ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है, बम्पर का मसला बन गया। ये देख लें यहाँ की जो मिट्टी है ना वो चिक्कड़, इतनी जालिम चिक्कड़ है कि जितनी गिल्ली हो जाती है उसके बाद ये खराब हो जाती है। Thank you.
गाइस ये देख लें आपको, आज जो है ना हमने वीगो का ट्रायल दिखाया, कैसा ट्रायल है ये देख ले। सामने कीचड़ देखें कितनी जोर की है। तो सिर्फ ये हम वीगो को लेके आए थे ट्रायल करने के लिए कि ये निकलता है ये निकलता, क्योंकि इससे पहले जो अल्टो थी ना वो तो फंस गई थी। तो ये बड़ी गाड़ियों का यही कमाल है, ये देखें ये बैठ गया है। केला गियर लग से सही हो, फोर व्हीलर समझ लग गए। चेक करें भाई जान कितनी पावर है माशाल्लाह। 4x4 गियर लगाने के बाद जो पिछले दो व्हील थे ना इसके जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो वर्क कर रहे थे। तो ये अभी 4x4 लगा के इसको कीचड़ से निकाला है। तो भाई जान बड़ी गाड़ी का यही मजा है और यही शिश्क है। तो फिलहाल जो है ना हम ये राजनपुर में जो है ना वीगो का मजा भी लेने आए हुए थे, तो जिनका अफसोस करना था वो भी किया, मगर आज वीगो का शहीद इलाका हाजीपुर लुंडी सदान सेट है। ये इलाका आपने सुन लिया भाई ने क्या बताया है। तुम वीगो आया हुआ था तो मैंने कहा इसको जरा कीचड़ में से भी निकाल के देखे। और आपने देखा होगा कि ये जो है ना अभी जो अल्टो के हाल हुआ है ना, अगला जो बम्पर था ना उसका तो डैमेज हो गया ना फुल टाइम, उसका तो काम हो गया है। तो भाई जान वीगो का अपना शश्क है, जब भी आप गाड़ी लें बड़ी लें ताकि ऐसी कीचड़ मिचड़ में से बचने का भी मजा आए और चलाने का भी मजा आए। और ये देख रहे हैं आप कैसे चला रहे हैं, ये हमारे सनी भाई हैं जिनके पास हम आए हुए हैं माशाल्लाह। ये वीगो इनका है, इन्होंने कहा कि आए भाई जरा टेस्ट ड्राइव भी करें, और ये टेस्ट ड्राइव करने का बड़ा मजा आया यार, बड़ी गाड़ी का भाई अपना मजा है। तो ये जी इनके डेरे पे पहुंच रहे हैं हम अभी। ये देखें भाई जान, ये देखें वीगो का यही मजा है कि जहां दिल करे वहीं डाल दें। ये देखें शेर टायर है इसके माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त टायर है। तो यही मजा है भाई ऊंची गाड़ी का, यही मजा है। ये देखें ब्रेक लगती है ठुआ करके लगती है। तो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जी। तो गाइस ये अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी हम जो है ना वापसी घर के लिए निकल आए हैं। तो आज माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजारा है दोस्तों के साथ, खाना शाना भी खाया है, उनके कच्चे के इलाके का भी मजा किया है। तो आपको दिखाया है कि भाई जान कच्चे के डाकू के इलाके में तो गए थे पर उनके पास नहीं गए थे हम, बस साइड से होके जहाँ अफसोस करना था वो भी किया, वहाँ से होके फिर वापसी जो है ना अभी उनसे बड़ी मुश्किल से भाई जान इजाज़त ली है। तो वो तो कह रहे थे नहीं भाई रात रहे, मगर टाइम नहीं था। तो इसलिए जो है ना आज हमने बस समझ लें बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेने के बाद अभी हम जो है ना राजनपुर से निकले हैं। तो माशाल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह खैर खैरियत से हमें घर पहुंचा दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल, आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो मेरे जो है फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।